हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूनिक वर्ल्ड क्रिएटर। मैं आज आपको बताऊंगा दहेज हत्या क्या होती है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा इसमें पनिशमेंट कितनी मिलती है, जमानती है गैर जमानती है, कैसा ये ऑफेंस है, इसके अंदर क्या चीज़ें, सारे ईच एंड एवरीथिंग मैं आज आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दहेज क्या होता है। दहेज एक ऐसी चीज़ होती है कि जैसे अगर कोई लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं, तो लड़का अगर अपने मुंह से मांगता है कुछ कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, ऐसी कार चाहिए, मतलब महंगी से महंगी कोई भी चीज़ बोल देता है, या फिर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ऐसी कोई भी चीज़ अगर मुंह से मांगता है तो वो दहेज के अंदर आता है। जो लड़की ना चाहते हुए या तो उसको देना पड़ जाता है, या फिर अगर वो लड़की उसको नहीं देती है तो शादी के बाद इंगेजमेंट से, जैसे आज इंगेजमेंट हुई है, आज इंगेजमेंट के बाद शादी के 7 साल तक अगर कोई भी लड़की मरती है अप्राकृतिक तरीके से, अगर कोई भी लड़की की मृत्यु, किसी भी लड़की की मृत्यु होती है अप्राकृतिक तरीके से, तो वो दहेज हत्या के अंदर आएगा। इसमें क्या होता है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को जान से मार देता है, किस तरीके से, करंट लगा के मार देना, खाने में जहर दे के मार देना, छत पे से धक्का दे देना, या फिर किसी भी तरीके से अगर वो लड़की को मार देता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस एक FIR करेगी धारा 304B के तहत। इसमें क्या होगा, 7 साल तक की उसको सजा मिलेगी, या फिर कोर्ट जो है सेशन कोर्ट में इसका मामला जाएगा, 7 साल तक उसको सजा मिलेगी, या फिर आजीवन कारावास हो सकता है उसको। ठीक है, जज की जितनी मर्जी होगी वो उतनी पेनल्टी, उतना उस पर जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, असंज्ञेय अपराध होगा, गैर जमानती होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसको जमानत मिल जाएगी, नहीं। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ, एक केस हुआ था, उसमें क्या था, एक लड़का था, उसने जब लड़की से शादी करी थी तो उससे यूँ बोला था कि भाई तुम मुझे ना 50,000 रुपये लेके आइयो मेरे लिए। 2021 की बात है, ये एक केस था। उसके अंदर क्या हुआ, लड़की ने शादी कर ली, जब लड़की शादी करके उसके घर आई तो उसने बोला 50,000 रुपये लाई या नहीं लाई, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं 50,000 रुपये नहीं लेके आई। लड़के ने क्या करा, ऑन द स्पॉट उस लड़की को वहीं जिंदा जला के मार दिया था। ये जो केस बनता है ना, ये 304B के तहत बनता है। इसमें 7 साल की उसको या तो 7 साल की सजा होगी या फिर आजीवन कारावास होगा। जज की जितनी मर्जी होगी उतनी उस पर जुर्माना लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है, ऐसे नए कानून जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।